हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग भी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए, जब भी आप कुछ पढ़ने बैठे, कुछ देखने बैठे, तो वीडियो को केवल मूवी की तरह ना देखें। कुछ ना कुछ जितना ही संभव हो, दो ही चार पॉइंट हो, लेकिन कॉपी कलम लेकर के अभी आपको बैठना है, कुछ नोट करना है, कुछ सॉल्यूशन करना है। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो कि 12th का है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं जो कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर क्या है? तो जो करंट को फॉलो होने के लिए अलाउ कर दे, allow for passing current, उस सभी को क्या कह देंगे हम लोग? कंडक्टर कह देंगे। इस कंडक्टर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया है मेटालिक और दूसरे को कह दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक, मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। इसमें जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वे फ्री इलेक्ट्रॉन, हम कह देंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। यानी कहा जाए हमसे, जो मेटालिक कंडक्टर में करंट किसके कारण होता है, तो क्या कहेंगे आपको? मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो है क्या कह देंगे? फ्री आयन। आयन में कौन? केटायन एंड एनायन। फ्री आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, यानी फ्री आयन जो है वे रिस्पॉन्सिबल है। इस मेटालिक कंडक्टर में कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इफेक्ट करता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग किसका? मेटालिक कंडक्टर। तो सबसे पहला इफेक्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कहिए, कंडक्टिविटी कहिए, ये घटेगा। ऐसा क्यों होता है इसमें? तो इसका कारण है जो इसमें फ्री आयन और केटायन के बीच, पॉजिटिव के बीच हिंडरेंस उत्पन्न हो जाता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव आयन भी, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आयन भी वाइब्रेट करने लगता है। बिकॉज पॉजिटिव आयन वाइब्रेट। तो अब ये पॉजिटिव आयन क्या है? तो देखिए, जब कोई मेटल, इसका बाद में बात करेंगे, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जो पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव में भी वाइब्रेशन होता है, इस कारण से कंडक्टिविटी घट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए? ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर का बात कर रहे हैं, और कंडक्टर में कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इसको इफेक्ट करता है, इसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये समझे, जो मेटल में जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वे फ्री आयन होगा। दूसरा डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस। यदि डेंसिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। ठीक है,
यानी मान लिया जाए सिल्वर, सिल्वर में कहा जाए और सोडियम में कहा जाए, तो किसका कंडक्टिविटी आप कहेंगे, तो सोडियम का, क्योंकि सिल्वर का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तीसरा फैक्टर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा कंडक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिक्रीजेज, डिक्रीजेज कंडक्टिविटी। तो स्ट्रक्चर हो गया, कितने फैक्टर हो गया बच्चों, तो तीन फैक्टर। चौथा फैक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, पर एटम का बात होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस, यानी जितना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कर लिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टेंस, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है और किसी कंपाउंड में आयन रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए इलेक्ट्रो लाइट पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट वैसा कोई सबस्टांस जो कंपोनेंट आयन में टूट जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे बच्चों। सबस्टांस डिसोसिएट इनटू आयन, यानी कैटायन और एनायन, जैसे ए बी है तो ए प्लस और बी माइनस में टूटा तो कह देंगे ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट को दो वैरायटी में डिवाइड किया गया, एक को कहा गया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और दूसरे को कहा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग उसको कहेंगे जो 100% आयोनाइज हो जाएगा, एग्जाम्पल NaCl, KCl, KNO3, etc. ये सब स्ट्रॉन्ग है। वीक लेस देन 100% आयोनाइज, ये जो है 100% आयोनाइज से कम होगा। और इसके लिए जितने भी ऑर्गेनिक का एसिड है, ऑर्गेनिक का बेस है, वे ले लेंगे। और खास के ये दोनों याद रखिए जो वे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ये आपको समझाए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो कोई भी आयन देगा उसका नाम इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। इलेक्ट्रोलाइट को दो वैरायटी में बांटा गया, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। तो स्ट्रॉन्ग जो होगा वे मोर कंडक्टिव होगा, मोर कंडक्टिव, और इसको क्या कह देंगे, लेस कंडक्टिव, क्योंकि इसमें आयन ही कम है तो ये लेस कंडक्टिव। अब इसमें भी देख लेते हैं जो कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ने लगे हैं इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आपको तब समझेंगे हम पढ़ रहे हैं जब मेरे द्वारा पढ़ाए गए से आप कुछ बेनिफिट उठावे, नीट करें, जेई करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, उसके बाद हम समझेंगे। चलिए तो फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, सबसे पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस, किस केस में बच्चों,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में आखिर ऐसा क्यों? तो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो आयन में इनर्जी मिलेगा, और इनर्जी मिलेगा तो स्पीड स्टार्ट, समझ रहे हैं बात को? यानी जैसे ही टेम्परेचर से इनर्जी, और इनर्जी मिला तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा साइज ऑफ आयन, जितना ही बड़ा साइज होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। साइज ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस, एग्जांपल Li प्लस, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। यदि इसमें कहा जाए जो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इस तरह से ऐसा ना दे करके आपसे कहा जा सकता है LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, तब पे भी आंसर यही हो जाएगा। यानी जितना ही बड़ा साइज होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ आयन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा कंसंट्रेशन का मतलब समझ लीजिए क्या है। जैसे होगा क्या, तो एक दो ग्लास लिए और उस दोनों ग्लास में पहले एक एक चम्मच चीनी डाल दिए, चीनी नहीं, नमक भाई, क्यों? क्योंकि हम बात कंडक्टिविटी का कर रहे हैं। एक एक ग्लास, एक एक चम्मच नमक डाल दिए, अगेन उस समय कंडक्टिविटी मेजर कर लीजिए, और फिर और एक एक चम्मच डाल दीजिए, तो पाया गया, ध्यान दीजिए, पाया गया कंडक्टिविटी घट गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो आयन के बीच, अपोजिट आयन के बीच डिस्टेंस घट गया, इसीलिए कंडक्टिविटी घट गया। तो कंसंट्रेशन कैसा? इनवर्सली, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या आप जानते हैं? चिपचिपाहट, जानते हैं ना? तो विस्कोसिटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस, यानी विस्कोसिटी बढ़ने से कंडक्टिविटी घटता है। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का प्राइमरी आज इंट्रोडक्शन दिए, अगले रोज इससे रिलेटेड बात करेंगे कोहलॉर्च लॉ, समझ गए? मेन इसमें क्या है? कोहलॉर्च लॉ। फिर कंडक्टिविटी का ओम्स लॉ से रिलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी बात की जानकारी हम लोग लेंगे। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है, जो आप अपने पढ़ाई में लगे रहें, अपने काम करते रहें, तब तक पढ़ें जब तक कि आपका मकसद पूरा ना हो जाए।